इस वीडियो में आपको D2, D3, लाइट में L2 के बारे में पूरी जानकारी दी वेलकम बैक जाएगी। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे DS ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी क्लॉक के ऊपर, तो क्लॉक के बारे में आपने बहुत ज़्यादा हमें कमेंट भी आए, आपने काफ़ी उस वीडियो को सराहा और काफ़ी उसमें लाइक भी आए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप बाकी फंक्शन पे वीडियो बनाएं, जैसे कि D2 D3 और L2 के बारे में वीडियो बनाएं। तो उस पर मैं आज डिटेल वीडियो लेके आया हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, प्रॉपर समझाया जाएगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो ये हमारी कार का स्पीडोमीटर है, इसमें जो D2, D3, L2 जो फंक्शन आते हैं वो कैसे इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो किलोमीटर शो होते हैं, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है उस पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बटन दिया होता है इसको लॉन्ग प्रेस करना है हमने। जैसे इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डोर का फंक्शन आ गया है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी फंक्शन होंगे आगे वो डोर के बारे में होंगे, डोर के रिलेटेड सारे फंक्शन होंगे। तो इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, जैसे इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे D2 आ जाता है, इसके बाद आता है D3। D2 के बारे में मैं नेक्स्ट बार आपको अभी बताऊंगा, पहले हम D3 के बारे में देखते हैं। ये आ गया D3, तो D3 तो हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, D3SL1, और सिंपल प्रेस करेंगे D3SL2, ये ऊपर लिखा है अनेबल्ड, ए भी लिखा है, इसका मतलब है अनेबल्ड है, इस फंक्शन पे इस समय हमारी गाड़ी जो है इस पे ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हमारे, जैसे हमने हमारी चाबी लगी है तो पहले हम क्या करेंगे, इसके जो हमारा डोर है उसको लॉक करेंगे, ऑटोमेटिक सभी लॉक गाड़ी के ऑटोमेटिक लग गए हैं। और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, जैसे हम चाबी को बाहर निकालेंगे, जैसे हम चाबी को बाहर निकालेंगे, ऑफ कर दिया, और यहाँ पे आप देखें इसको, अभी मैं चाबी निकालूंगा नहीं, तो यहाँ पे जैसे ही हम चाबी को बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक जो लॉक है वो खुल गए हैं, ये चारों लॉक हमारे अपने आप गाड़ी के खुल गए हैं। तो अब हम इस फंक्शन को चेंज करेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा कैसे होता है ये। तो गाड़ी को हमने वहीं पर ले गए हैं और हमारी जो स्पीडोमीटर ऑन है, फिर अब से हम जाएंगे D3 में, D3 आ गया यहाँ पे, D3 के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या था हमारा जो दूसरा वाला था अनेबल्ड था, आप देख सकते हैं ए भी लिखा हो उसके ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे D3 इसको अनेबल्ड करेंगे। अनेबल्ड कैसे करना है, लॉन्ग प्रेस करेंगे, जो सभी फंक्शन इसके लॉन्ग प्रेस और सिंपल प्रेस से काम करते हैं, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सक्सेस आ जाएगा, ये अब हमारा जो है अनेबल्ड हो गया है। दिखाता हूँ आपको, अंदर D3 में जाएंगे, देखिए अब ए भी आ गया, S1 पे आ गया है, ये अनेबल्ड हो गया है। तो इसमें क्या चेंजेस हुए, हमारी गाड़ी में क्या चेंज हो गया, अब आप देख इसको ध्यान से देखिए। तो गाड़ी को पहले हम कर देंगे लॉक, सारे गाड़ी के डोर लॉक हो गए हैं, तो यहाँ पे हम चाबी को बाहर निकालेंगे। अब देखिए, अब यहाँ मैं जैसे ही चाबी को बाहर निकालता हूँ तो ये अपने आप ओपन नहीं हुआ, ये अपने आप ओपन नहीं हुआ यहाँ पे, अब इसको हाथ से करना पड़ेगा, हाथ से करेंगे तो सारे लॉक डोर ओपन हो जाएंगे, अपने आप ये ओपन नहीं होता, हाथ से बंद करेंगे हाथ से खुलेगा, चाबी निकालने पे ये अपने आप ओपन नहीं होगा। ऐसे इसमें डिफरेंस आता है D3 में, D3 आप 1 को करोगे तो डोर लॉक अपने आप ओपन क्लोज नहीं होंगे, चाबी जब आप चाबी निकालते हो डोर अपने आप ओपन हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। ये दोस्तों VXI मॉडल है हमारा, तो VXI मॉडल में इसमें ऑटो डोर लॉकिंग सिस्टम होता है। तो अब नेक्स्ट जो चेक करेंगे, आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको गाड़ी को यूज़ करना है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे भी आपकी इच्छा वैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट इसमें हम चेक करेंगे, उससे पहले जैसे हमने D3 किया था और इसको जो पहले इसमें डिफॉल्ट सेटिंग होती है उस पर इस कर देंगे D2 पे, तो कैसे करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे सक्सेस हो गया, तो वैसे पहली तरह हो गया है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम अपने आप लॉक, अब चाबी से ही हो रहे हैं, तो फिर से लगा देंगे, अब चलेंगे D2 के अंदर, गाड़ी को चला रहे हैं और जैसे इसकी जो स्पीड है,
वो 1500 से ऊपर जाएगी। गाड़ी के लॉक पर आप देखें वीडियो को, ऑटोमेटिक डोर लॉक हो गए। जैसे ही 15 पे स्पीड गई है, इसके लॉक है ऑटोमेटिक, इसके डोर लॉक हो गए हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे D2, अब यहाँ पे देख सकते हैं एनेबल्ड था तो ऑटोमेटिक डोर लॉक हो गए थे। तो अब इसका हम करेंगे एनेबल्ड, SL1 सेलेक्ट कर दिया, अब सक्सेस हो गया है। अब दोबारा से हम गाड़ी को चलाएंगे तो आप देखेंगे अभी इसमें क्या डिफरेंस आता है, अभी लॉक होती है गाड़ी या नहीं होती। तो अभी लॉक है, इसको अनलॉक करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लिया हमने गाड़ी, अब जैसे ही 15 की स्पीड पे हो जाएगी गाड़ी, तो देख सकते हैं 15 से क्रॉस हो गई थी। दोबारा वापस आ गई है, तो आगे मैं फिर आपको दिखाऊंगा। 15-16 से फिर हो गई, देखिए अब इसके डोर लॉक है जो अपने आप लॉक नहीं हो रहे हैं। तो ये इसकी होती है डिफरेंस दोनों में, तो देख सकते हैं यहाँ पे 16-18 हो गई, अभी भी डोर इसका लॉक नहीं हुआ है। तो अब दोस्तों हम एल जो लाइट के फंक्शन है, ये लाइट से रिलेटेड है, तो हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे L2R है, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है, बैक है, तो L2 के अंदर जाएंगे। L2 पे यहाँ पे क्या आ रहा है, अनेबल्ड है। L1 पे ये अनेबल्ड है डिफॉल्ट की, जो कंपनी डिफॉल्ट सेटिंग इसके करके देती है। इसमें क्या फर्क होता है देखिए, सबसे पहले जैसे हम इसका जो इंडिकेटर होता है इसको सिंगल प्रेस करते हैं तो ये 3 टाइम ब्लिंक करता है, देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको करेंगे S2 पे सेट, लॉन्ग प्रेस करेंगे, सक्सेस हो गया। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है, आप इंडिकेटर देख सकते हैं यहाँ पे, सिंगल प्रेस करेंगे एक बार ही होगा, बस इसमें ये सेटिंग होती है। अगर उस दूसरे पे रखेंगे तो 3 बार जगेगा, ऐसे आप दबा के रखोगे तो चलता रहेगा, एक बार दबा के छोड़ोगे एक बार चल के बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं इसको बैक, इसको जो डिफॉल्ट सेटिंग थी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे इसमें हम डिफॉल्ट सेटिंग में जाएंगे, ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट को एक्टिवेट करेंगे, ऑन हो गया। तो डिफॉल्ट सेटिंग इसकी एक्टिवेट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब देखिए अगर डिफॉल्ट कर देंगे, जैसे भी आपने फंक्शन अगर गलत भी लगा दिया, गलती से डिफॉल्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक ही ये जो इसकी कंपनी से सेटिंग आती है उस पर चला जाएगा, सारे फंक्शन इसके वैसे ही हो जाएंगे पहले की तरह। तो दोस्तों हमने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, तो हमारी इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक करें, शेयर जरूर करें जिसके पास ये गाड़ी है और नए मॉडल की गाड़ी है जो इसमें ये स्पीडोमीटर आता है, उसके साथ ये वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं कि हमने दिन में वीडियो शुरू की थी और शाम हो गई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।